गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन. और आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन. तो लेट्स वी स्टार्ट. सो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली में ऑक्सीजन इनहेलेशन बोलते किसको है. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्रोवाइड सप्लीमेंट ऑक्सीजन टू द पेशेंट टू ट्रीट द ऑक्सीजन डेफिशियंसी. यानी कि किसी पेशेंट में अगर ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है ड्यू टू सम रीजन्स, और उसमें हम जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन बोलते हैं. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर यूज टू डिलीवर द ऑक्सीजन बिकॉज प्लास्टिक आर नॉट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो जो भी इक्विपमेंट, जो भी आर्टिकल्स यूज़ में ले जाते हैं, वो प्लास्टिक के होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जितनी हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहते हैं वो पूरी की पूरी पेशेंट के अंदर डिलीवर हो पाती है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन. यानी कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एक्चुअली में सप्लीमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को. तो फर्स्ट वन आपके सामने पेश है नेजल कैनुला. इट हैज़ टू प्रोब्स दैट इंसर्ट इन बोथ नोस्ट्रिल्स टू 1.5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग. इसमें क्या करते हैं, जो नेजल कैनुला होता है उसकी ट्यूब में दो प्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. दोनों प्रोब्स को क्या करते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर तक, और उसके बाद वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है. तो आपको दिखा देते हैं एक्चुअली में नेजल कैनुला किस टाइप का होता है. तो इस टाइप का होता है, एक ट्यूब सी होती है, एंड इसके अंदर ये दो प्रोब्स आपको दिख रहे होंगे सर्किल के अंदर. इनको दोनों जो नोस्ट्रिल्स हैं उनके अंदर 1.5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है, एंड उसको फिर वहाँ पे फिक्स कर देना, उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवर कर देना. ओके, अब फ्लो रेट देख लेते हैं कि नेजल कैनुला कितनी फ्लो रेट तक ऑक्सीजन एडमिनिस्टर या सप्लाई कर सकता है. तो इसकी फ्लो रेट रहेगी 1 to 6 liter per minute, यानी कि 1 मिनट में 1 से 6 liter ऑक्सीजन ये डिलीवर कर सकता है. और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो एक्चुअली में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, तो ये कर पाता है 24 to 44% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन मूव कर लेते हैं. फ्लो रेट और कंसंट्रेशन को देख लेते हैं अलग अलग, कि 1 से 6 liter पे, 1 liter पे कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाता है. अगर हम 1 liter फ्लो रेट रखते हैं तो ये ऑक्सीजन डिलीवर करेगा 24%. ओके, अगर 2% फ्लो रेट रखते हैं तो ये 28% ऑक्सीजन डिलीवर करेगा. अगर 3 liter रखते हैं फ्लो रेट तो ये करेगा 32%, एंड 4 liter पे करेगा ये 36%. ओके, अब बात कर लेते हैं 5 liter अगर फ्लो रेट रखते हैं तो ये सप्लाई करेगा 40% ऑक्सीजन. अगर 6% रखते हैं तो ये करेगा 44% ऑक्सीजन सप्लाई करता है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं एंड बात कर लेते हैं इंडिकेशंस की, एक्चुअली में नेजल कैनुला को कौन सी कंडीशन में यूज़ में लिया जाता है. अगर सीवियर एंजाइटी हो रही है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन हमें डिलीवर करनी है तो हम यूज़ में लेंगे नेजल कैनुला. सेकेंड कंडीशन, अगर लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी कि किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो हम जो मेथड यूज़ में लेते हैं वो लेंगे नेजल कैनुला. ओके, ऑलराइट. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेशेंट पोजीशन की, जो नेजल कैनुला से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है. तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है. एक्चुअली में सभी लगभग जो मेथड्स होते हैं वहाँ पे सेमी फाउलर पोजीशन ही रखते हैं, ताकि लंग्स का एक्सपेंशन अच्छी तरीके से हो सके और ऑक्सीजन कम्प्लीटली रूप से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो सके. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं. तो सेकेंड मेथड आपके सामने पेश है एंड दैट इज़ नेजल कैथेटर. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है ये. और कौन सी कंडीशन में मेनली लेते हैं, इट ऑल्सो यूज ड्यूरिंग ट्रेकिस्टोमी. अगर किसी पेशेंट की ट्रेकिस्टोमी कर दी गई है और उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं अपन, नेजल कैथेटर. ओके, अब आपके सामने नेजल कैथेटर की इमेज प्रेजेंट है, तो इस टाइप का ये एक्चुअली में दिखाई देता है. अब फ्लो रेट की बात कर लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है ये 1 to 4 liter per minute के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और कितनी ऑक्सीजन एक्चुअली में डिलीवर कर पाता है, तो ये कर पाता है 22 to 30% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है एक पेशेंट के अंदर. ठीक है, अब अगली स्टेप पे चलते हैं और ये रहेगा हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ नेजल कैथेटर, यानी कि नेजल कैथेटर को कितना इंसर्ट करना है वो देख लेते हैं. टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, ठीक है, नोज की टिप से ईयर लोब तक मेजर करेंगे और मार्क करके उसको इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, ये आपको दिखा देते हैं किस टाइप से मेजर करते हैं एक्चुअली में. तो इस टाइप से टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक मेजर करते हैं और मार्क कर लेते हैं, एंड उसके बाद इतना हम इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, हाउ टू इंसर्ट द नेदर कैथेटर। अब ये सब कुछ मेजर कर चुके हैं, अभी एक्चुअली में इसको इंसर्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम पेशेंट को रोज पोजीशन में प्लेस कर लेंगे, और रोज पोजीशन क्या होते हैं, लाइंग द पेशेंट ऑन बेड इन सुपाइन पोजीशन विद पिलो अंडर प्लेस्ड अंडर बोथ शोल्डर्स एंड डन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड। यानी कि पेशेंट को फ्लैट सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, और उसके जो दोनों शोल्डर्स है वहाँ पे उनके नीचे पिलो प्लेस कर देते हैं ताकि हेड एलिवेट हो जाए। उसके बाद हेड का हाइपर एक्सटेंशन करवा देते हैं ताकि आसानी से कैथेटर इंसर्ट कर सकें। ओके, अब ये पोजीशन प्रोवाइड कर दी गई है, एंड नेक्स्ट वन, उसके बाद नेजल कैथेटर लेते हैं और जाइलोकेन जेली अप्लाई करते हैं लुब्रिकेशन के लिए ताकि आसानी से इंसर्ट हो पाए। एंड लुब्रिकेट कर चुके हैं, एंड आफ्टर देन इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवर कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड मेथड, एंड दैट इज सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क। फ्लो रेट कितनी होती है सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क की, तो 5 to 8 liter पर मिनट सप्लाई कर पाता है ये। एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कितनी ऑक्सीजन ये डिलीवर कर पाता है, 40 to 60% एक्चुअली में ये ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। तो ये आपके सामने पेश है सिंपल फेस मास्क, किस किस टाइप का ये एक्चुअली में दिखाई देता है। ठीक है, ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं और फ्लो रेट और कंसेंट्रेशन को देख लेते हैं अलग अलग। अगर 5 liter अपन ऑक्सीजन फ्लो रेट रखते हैं तो ये प्रोवाइड करेगा 40 to 55% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, सॉरी ये 45% होगा, 40 to 45%। ओके, 6 liter फ्लो रेट रखते हैं तो 45 to 50%, एंड 7 liter रखते हैं तो 50 to 55% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, और अगर फ्लो रेट हम 8% रखते हैं तो ये डिलीवर कर पाएगा 55 to 60% ऑक्सीजन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं, इंडिकेशंस देख लेते हैं कि एक्चुअली में नेजल कैथेटर को कौन सी कंडीशन में यूज में लेते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन, अगर इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो हम जो मेथड यूज में लेंगे वो लेंगे नेजल कैथेटर। अगर शॉर्ट टाइम के लिए, अगर जैसे कि 10-15 मिनट के लिए किसी में ऑक्सीजन डिलीवर करना है तो वहाँ पे हम जो मेथड यूज में लेते हैं वो होगा नेजल कैथेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट हो सकते हैं नेजल कैथेटर की वजह से। क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया क्या होगा, सॉरी नेजल कैथेटर का नाम आ रहा है, सिंपल फेस मास्क की बात कर रहे हैं अपन। तो जो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है सिंपल फेस मास्क का, तो क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है, तो फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस दैट लीड एंजाइटी। यानी कि जैसे हम फेस मास्क को अप्लाई करते हैं फेस पे तो वो नोज और जो माउथ की ओपनिंग है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है और क्लोज कर देता है, तो इसकी वजह से जो फियर क्रिएट होता है पेशेंट के अंदर उसे बोलते हैं अपन क्लस्ट्रोफोबिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसको क्या नर्सिंग अलर्ट रखेंगे, सेम इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंचुरी मास्क और फिक्स कंसंट्रेशन मास्क, फोर्थ वन मेथड है। इट इज़ यूज टू डिलीवर फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि किसी पेशेंट में अगर फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है या डिलीवर करनी है तो जो मेथड हम यूज़ में लेंगे वो होगा वेंचुरी मास्क। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लो रेट। तो वेंचुरी मास्क की फ्लो रेट कितनी होती है, तो 2 to 15 liter पर मिनट के हिसाब से इसकी फ्लो रेट होती है, एंड कितनी ऑक्सीजन ये डिलीवर कर पाता है वो कर पाएगा ये 24 to 60% ऑक्सीजन एक्चुअली में डिलीवर कर पाते हैं। और इसके अंदर जो फ्लो रेट होती है वो अलग अलग हिसाब से होती है। वेंचुरी मास्क के अंदर अडेप्टर्स होते हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं, तो ये इस टाइप का वेंचुरी मास्क होता है, और जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये अडेप्टर होता है। तो अलग अलग अडेप्टर आते हैं और अलग अलग अडेप्टर्स होते हैं, वो अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग फ्लो रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं, ये एक्चुअली में 6 अडेप्टर्स होते हैं, ये अलग अलग फ्लो रेट होती है इनकी। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन, तो अडेप्टर्स हो गए, देन फ्लो रेट हो गई और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर ब्लू कलर का अडेप्टर होगा तो उसकी वो कितना फ्लो रेट से ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो वो करता है 2 liter पर मिनट के हिसाब से, एंड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 24% डिलीवर कर पाता है ब्लू कलर का अडेप्टर। ठीक है, अगर अडेप्टर वाइट कलर का है तो वो करेगा 4 liter पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन, और कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगा वो 28%। अगर अडेप्टर बात कर लेते हैं ऑरेंज कलर का है तो वो डिलीवर कर पाएगा 6 liter पर मिनट के हिसाब से, और ऑक्सीजन 31% ऑक्सीजन वो कंप्लीटली रूप से डिलीवर कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर येलो कलर का है अडेप्टर तो वो 8 liter पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, और टोटल ऑक्सीजन 35% ये डिलीवर कर पाते हैं। अगर ये रेड कलर का अडेप्टर है तो वो
10 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लोरेट प्रोवाइड करता है और 40% ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, ग्रीन कलर का अडेप्टर है तो वो 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है और कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, ये 60% ऑक्सीजन एक्चुअली में ये डिलीवर कर पाता है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं और इंडिकेशन देख लेते हैं एक्चुअली में वेंचुरी मास्क को कौन सी कंडीशंस में यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्ट वन इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एल्वियोलाई के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और ब्रोंकाई के अंदर, तो वहाँ पे फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम इसका वेंचुरी मास्क का यूज़ लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन है अस्थमा के अंदर एंड थर्ड वन है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं एंड फिफ्थ मेथड देख लें, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। तो ये क्या होता है, इन दिस प्रेजेंट ए रीब्रीथर अपैरेटस दैट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ यूजर्स एक्सहेल्ड ब्रीथ टू परमिट द रीब्रीथिंग ऑफ सब्सटेंशियली अनयूज ऑक्सीजन कंटेंट। यानी कि जो ये रीब्रीथर मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, इसके अंदर क्या होता है, एक रीब्रीथर अपैरेटस होता है जो क्या करता है, अगर जैसे ही पेशेंट ऑक्सीजन को इनहेल तो कर लेता है, उसके बाद जब इनहेल तो कर लेता है बट वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन वो उसकी जो ब्लड के अंदर डिलीवर नहीं हो पाती है, जब वो वापस एक्सहेल करता है बची हुई एयर को, तो वो एक्सहेल एयर से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को वहाँ पे रीब्रीथर एपरेटस है वहाँ पे क्या होती है ट्रैप हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही वो अगेन इंस्पायरेशन करेगा, इनहेलेशन करेगा, तो वो वापिस से बची हुई ऑक्सीजन भी जो अदर जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन है उसके साथ मिक्स होके अंदर डिलीवर हो जाती है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं, बाय दिस मास द पेशेंट इनहेल 1/3 ऑफ एक्सेल टाइडल वॉल्यूम। जितनी भी वो एक्सेल कर पाता है, एयर एक्सेल करता है, उसका 1/3 वो वापिस से इनहेल कर लेता है, क्योंकि उसमें कुछ ऑक्सीजन बच जाती है जो कम्प्लीटली रूप से ब्लड के अंदर डिलीवर नहीं हो पाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, रीब्रेथर एपरेटस जो होता है वो, और बाहर एनवायरनमेंट के अंदर डिलीवर कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट कंटेन रिजर्वर बैग एंड टू वे वॉल्व। जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है इसके अंदर एक तो रिजर्वर बैग होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन कलेक्ट रहती है एंड टू वे वॉल्व होता है। तो ये क्या काम करते हैं उनका देख लेते हैं। तो रिजर्वर बैग का काम होता है ये, टू टू थर्ड पार्ट इसका फिल रहता है, इंस्पायरेशन के बाद भी इसके अंदर टू थर्ड पार्ट फिल रहता है ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन की कमी ना आ पाए, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर होती रहे, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टू वे वॉल्व क्या करते हैं, द टू वे वॉल्व हेल्प इन इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड पाथवे टू 1/3 एक्सेल एयर टू कलेक्ट इन रीब्रीथर एपरेटस। यानी कि अब वो जो टू वे वॉल्व होता है वो क्या करता है, जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको इंस्पायरेशन में हेल्प तो करता ही है, अब जब पेशेंट एक्सेल करता है बची हुई एयर को, तो जो उसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई है, बच चुकी है, वो आके वापस से कलेक्ट हो जाएगी रीब्रीथर एपरेटस के अंदर, तो वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाती है उसी रास्ते से वो बची हुई वापस आके रिजर्वर बैग के अंदर कलेक्ट हो जाती है, तो इसीलिए वो टू वे वॉल्व बोलते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके सामने प्रेजेंट है ये, तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये 100% ऑक्सीजन अंदर डिलीवर हो रही है, तो ये पहले तो उसमें चली जाएगी और इसके रिजर्व बैग में इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे पेशेंट इनहेल कर लेता है उसके बाद एक्सहेल करता है, तो 1/3 जो एयर होती है वो वापस रिजर्व बैग के अंदर आ जाती है और बाकी जो एक्सपायर्ड गैस के जो प्रोब्स हैं जो यहाँ पे पोर दिख रहे हैं इनके द्वारा एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, तो 1/3 तो वापस रिजर्व में आ जाती है इस वॉल्व के द्वारा, इसलिए इसको टू वे वॉल्व बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं, फ्लोरेट कितनी होती है पार्शियल रीब्रीथर मास्क की। तो 6 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, ओके। और कितनी ऑक्सीजन ये एक्चुअली में डिलीवर कर पाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो ये करता है 70 to 90% ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं, इंडिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में यूज़ लेते हैं। व्हेन ब्लड ऑक्सीजन लेवल एक्सट्रीमली लो, कि अचानक से किसी पेशेंट का जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही कम आ चुका है, तो वहाँ पे अब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पार्शियल रीब्रीथर मास्क है वो 70 to 90% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो इसलिए इसका यूज़ वहाँ पर लेते हैं।
ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं एंड सिक्स मेथड देख लेते हैं, नॉन रिब्रीथर मास्क। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई कंसंट्रेशन मास्क। तो इसे हाई कंसंट्रेशन मास्क बोलते हैं क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। सेकेंड वन, बिकॉज इट डिलीवर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, इट कंटेन रिजर्व बैग एंड ओनली वन वे वॉल्व। तो एक्चुअली में पार्शियल रिब्रीथर और नॉन रिब्रीथर मास्क सेम होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि वन वे वॉल्व प्रेजेंट होता है। सॉरी, जो नॉन ब्रीथर री मास्क है इसके अंदर तो वन वे, और जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क है उसके अंदर टू वे वॉल्व प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें इनहेल करते हैं, जो एक्सहेल करते हैं वो वापस एयर बची हुई है वो भी रिजर्व बैग के अंदर आ जाती है। इसके अंदर सिर्फ इनहेल हो पाती है, जो एक्सहेल करते हैं वो एक्सहेल पोर जो मास्क में होते हैं उसके द्वारा एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ओके, यही डिफरेंस है इसके अंदर और उसके अंदर, ये देख लो आप। तो जैसा कि इसका वाल्व है, इसके बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिससे कि सिर्फ ऑक्सीजन जा पाती है, जब एक्सहेल करता है तो वापस नहीं आती, वो एक्सहेल वन वे वॉल्व के द्वारा एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से ये वन वे वॉल्व प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं आपको। तो फ्लो रेट की बात कर लेते हैं। तो फ्लो रेट ये करता है 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। और कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है ये, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी 90 to 100% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर पाता है, इसलिए इसको हाई कंसंट्रेशन मास्क बोलते हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं आपको। इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, एक्चुअली में जो नॉन रिब्रीथर मास्क है उसको कौन सी कंडीशन में यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्ट है ट्रोमेटिक इंजरी, किसी पेशेंट को ट्रोमेटिक इंजरी हो चुकी है तो वहाँ पे इसको यूज़ में लेते हैं। अगर आफ्टर स्मोक इनहेलेशन, यानी कि कहीं पे आग लग चुकी है और वहाँ पे पेशेंट कोई पर्सन फंस चुका है और बहुत ज़्यादा स्मोक इनहेल कर ली उसने, तो उसके बाद अगर ऑक्सीजन हमें डिलीवर करनी है तो हम जो मेथड यूज़ लेंगे वो क्या लेंगे, नॉन रिब्रीथर मास्क। ओके, एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो चुकी है, यानी कि उसने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल कर ली है, ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मोमबत्ती या लैंप जला के सो जाते हैं रात को रूम के अंदर क्लोज करके, तो उसके जलने से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर वो किसी पेशेंट के अंदर डिलीवर हो गई है, उसने इनहेल कर लिया उस गैस को, तो उसके बाद जब ऑक्सीजन डिलीवर करने की बारी आती है तो जब मेथड यूज़ में लेते हैं वो क्या लेंगे हम, उसमें नॉन रिब्रीथर मास्क। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन आता है। वो एक क्लस्ट्रोफोबिया आता है, यानी कि जो क्लोज स्पेस की वजह से फियर क्रिएट होने लगता है पेशेंट के अंदर। ऑलराइट, और इसका ट्रीटमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ओके, और अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं आपको। तो बात कर लेते हैं एरोसोल मास्क। ठीक है, एरोसोल मास्क क्या होता है, इट यूज़ टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ म्यूकस बिकॉज इट प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। इसका मेन रीज़न होता है, हम अगर किसी पेशेंट में म्यूकस की थिकनेस बढ़ चुकी है किसी वजह से, तो उसको लूज़ करवाने के लिए, ताकि उसको रिमूव किया जा सके जो म्यूकस है उसको एयरवे से, तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे वो किस के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, एरोसोल मास्क के द्वारा। फ्लो रेट की बात कर लेते हैं, ये 8 to 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। तो आपके सामने प्रेजेंट है एरोसोल मास्क, और ये ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन किस तरीके से प्रोवाइड कर पाता है वो बात कर लेते हैं। तो सर्किल के अंदर आप देख रहे हैं एक अडेप्टर लगा हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर फिल होता है जब ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है पहले, और वाटर के द्वारा क्या होती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है, उसके बाद पेशेंट के अंदर डिलीवर हो पाती है, ताकि म्यूकस है वो थिक हो जाए और उसको आसानी से रिमूव किया जा सके। ओके, और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवा देते हैं आपको और बात कर लेते हैं ऑक्सीजन टेंट। तो ये 8 नंबर का मेथड हो गया अपना, ऑक्सीजन टेंट। इट कवर द होल बॉडी, ये क्या करता है, कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप से ये पूरे बेड पे लगाते हैं, ये टेंट की तरह तान देते हैं, शादियों में आपने देखा होगा वो उसी टाइप से होता है ये। तो टेंट लगा देते हैं पूरा बेड पे और पूरा कवर कर देते हैं। और इसके अंदर फ्लो रेट की बात कर लेते हैं कि कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है, ये करता है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से, या 5 लीटर से बिलो ये ऑक्सीजन फ्लो रेट के हिसाब से प्रोवाइड या डिलीवर करता है। ठीक है, और इंडिकेशन ये कब यूज़ में लेते हैं, तो ये यूज़ में लेंगे अगर किसी को बर्न हो चुकी है, यानी कि अगर किसी को मेनली रूप से फेशियल बर्न हो चुकी है, अगर फेशियल बर्न हो गया है तो क्या होगा कि हम वहाँ पे मास्क प्लेस नहीं कर पाते हैं, स्किन पहले से ही जली हुई है और उसके बाद मास्क प्लेस करते हैं तो इरिटेशन होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल अगर किसी वुंड के कॉन्टेक्ट में आता है तो ज़्यादा वो वर्जन हो सकती कंडीशन, तो इस कंडीशन में हम
कौन सा मेथड यूज मिलेंगे, ऑक्सीजन टेंट, अगर ट्रोमेट फेशियल ट्रोमा हो चुका है तो वो सेम कंडीशन है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेंट से ही ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं आपको, और नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं अपन ऑक्सीजन हुड। तो नेक्स्ट मेथड ये है ऑक्सीजन हुड, इट यूज फॉर प्री मैच्योर और न्यू बॉर्न बेबी। जो प्री मैच्योर या न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो कि मतलब कि गेस्टेशनल कंप्लीट गेस्टेशनल पीरियड से पहले ही जो बच्चा कि किसी बेबी की डिलीवर हो चुकी है उसके अंदर ऑक्सीजन देनी है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो ऑक्सीजन हुड मेथड यूज़ में लेते हैं। ओके, और ये इस टाइप का दिखता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रही, ये कंप्लीटली रूप से पूरे हेड को कवर कर लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट चल लेते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं, कि एक्चुअली में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन इन्हेलेशन के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है रेट्रोलेंटल फाइब्रोसिस, तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डेवलप फाइब्रोसिस इन इमेच्योर रेटिना, यानी कि किसी बच्चे के अंदर, ये मेनली रूप से चाइल्ड के अंदर होता है, न्यू बॉर्न के अंदर जब रेटिना इमेच्योर होता है तो हाई ऑक्सीजन अगर उसके अंदर डिलीवर हो जाती है तो फाइब्रोसिस क्रिएट हो जाते हैं रेटिना के अंदर। और ये क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज हाई ऑक्सीजन कोज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दैट कैन लीड एवेस्कुलर रेटिना। जो हाई ऑक्सीजन होती है वो क्या करवाती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है, और वहाँ पे एवेस्कुलर रेटिना की कंडीशन डेवलप हो जाती है और वहाँ पे फाइब्रस या स्कार फॉर्मेशन होने लगते हैं, ओके, रेटिना के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इन प्रीमेच्योर बेबी। ठीक है, प्रीमेच्योर या फिर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ही मोस्टली रूप से होता है, क्योंकि उनके अंदर जो रेटिना होता है वो कम्प्लीटली रूप से मैच्योर नहीं हो पाता है, इस वजह से वहाँ पे रेट्रोलेंटल फाइब्रोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर दी जाए तो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन पॉल बर्ट इफेक्ट। तो एक्चुअली में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन सीएनएस दैट कोज सेल डेथ ऑफ ब्रेन, यानी कि पॉल बर्ट इफेक्ट किसे बोलते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करने की वजह से सीएनएस में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो क्या करती है ब्रेन की सेल को डेथ करवा देती है, इसे ही बोलते हैं अपन पॉल बर्ट इफेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके साइन सिम्टम की, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर सीएनएस में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो उसमें सीजर देखने को मिलते हैं और ब्लर्ड विजन देखने को मिलता है एंड कोमा। अगर ये तीनों सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम अपने को देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कि सीएनएस के अंदर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो चुकी है। अब थर्ड वन बात कर लेते हैं लोरियन स्मिथ इफेक्ट, तो ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर पल्मोनरी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी यानी कि जो लंग्स के अंदर ज़्यादा एयर ऑक्सीजन कलेक्ट हो चुकी है तो उसको बोल देंगे लोरियन स्मिथ इफेक्ट। ठीक है, पल्मोनरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन सिम्टम, तो इस कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सब स्टर्नल पेन होगा, यानी कि जो स्टर्नल एरिया होता है स्टर्नम के अंदर वहाँ पे क्या होगा, पेन होता है। डिस्निया मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। एंड थर्ड वन डिप्रेस रेस्पिरेटरी डिज़ायर, उसकी रेस्पिरेटरी डिज़ायर है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, पेशेंट बिल्कुल स्लोली स्लोली और शॉर्ट ब्रीथ करने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पे मूव करवाते हैं एंड फोर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं फायर। तो इट मोस्ट कॉमनली अकर्स ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उस दौरान को शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से या फिर जो भी फेस मास्क वहाँ से ऑक्सीजन लीकेज हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे फायर क्रिएट होने के। ठीक है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रखेंगे, अगर फायर लग जाती है या फिर आग लग जाती है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेस्क्यू करना है द पेशेंट फ्रॉम द फायर पॉइंट, जो जहाँ पे आग लगी वहाँ से पेशेंट को दूर ले जाना एक सेफ प्लेस पे, एंड देन उसके बाद सेफ प्लेस पे ले जाने के बाद फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देना। एंड फायर अलार्म एक्टिवेट कर चुके हैं, एंड थर्ड वन प्रायोरिटी रहेगी कन्फाइन या क्लोज द डोर एंड विंडो। जिस रूम के अंदर हम पेशेंट को ले गए हैं उसके पूरे रूम के डोर या विंडो को क्लोज कर देंगे, और ताकि जो जो स्मोक क्रिएट होगी आग लगने से हॉस्पिटल के अंदर वो उस रूम में एंटर ना करे। एंड देन विंडो डोर क्लोज हो चुके हैं, आफ्टर देन क्या करेंगे, एक्सटिंग्यूश द फायर बाई एक्सटिंग्यूसर। तो आग को बुझाएंगे किसके द्वारा, एक्सटिंग्यूसर के द्वारा। तो एक्चुअली में फायर एक्सटिंग्यूसर कैसे दिखाई देता है वो आपको दिखा देते हैं, ये शायद आपने हर जगह कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा, तो इसे बोलते हैं
एक्सटिंग्यूशर उसके द्वारा क्या करते हैं, हम आग बुझाते हैं। इसके अंदर अलग अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आती है, पाउडर फॉर्म में आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस टाइप की गैस से इसके अंदर फिलअप होती है। मेनली रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, तो पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है या स्प्रे फॉर्म में भी हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम फायर को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्यूश कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं, एटलेक्टेसिस। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, एटलेक्टेसिस। तो ये होता क्या है, प्रोलेप्स ऑफ एल्वियोलाई ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की वजह से एल्वियोलाई क्या हो जाते हैं, प्रोलेप्स हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जो हाई ऑक्सीजन क्या करता है, कंप्रेस द लंग टिश्यू एंड लूज द सर्फेक्टेंट। जो लंग्स टिश्यू है उनके को कंप्रेस कर देगा, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर की वजह से, और जो लंग सर्फेक्टेंट है वो लॉस होने लगता है, क्योंकि जो लंग सर्फेक्टेंट सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब नर्सिंग केयर क्या रखनी है, अगर किसी को एटलेक्टेसिस हो चुका है तो क्या करना है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड देनी है, ताकि उसकी जो लंग एल्वियोलाई होती हैं वो इन्फ्लेट हो सके, ठीक है, वापस से वो जो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। और यूज़ लंग सर्फेक्टेंट टू इन्फ्लेट द एल्वियोलाई। अगर सीधा ही हम लंग सर्फेक्टेंट भी डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो कौन कौन से एग्जांपल, लेसिथिन और स्टिनोमाइसिन, ये टू लंग सर्फेक्टेंट होते हैं, ये भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू लंग सर्फेक्टेंट की, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लंग सर्फेक्टेंट से रिलेटेड। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लंग सर्फेक्टेंट मेड बाय टाइप सेकेंड एल्वियोलाई सेल, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइटिक सेल इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ एट 24 वीक। जो लंग सर्फेक्टेंट होता है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही बनता है, कब, 24 वीक पे। और उसका फॉर्मेशन कौन करती है, जो टाइप सेकेंड एल्वियोलाई सेल्स होते हैं, जो न्यूमोसाइटिक सेल होती हैं, वो लंग सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नोट कुछ, इफ़ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इमिनेंट बिफोर 34 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, यानी कि अगर किसी जो लेडीज़ है उसके अंदर अगर 30 वीक से पहले, यानी कि कंप्लीट जो गेस्टेशनल पीरियड है उससे पहले प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी होने के चांसेस लग रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, तो उसमें हम क्या करेंगे, देन द नर्स शुड प्रोवाइड द बीटा मेथासोन टू द प्रेगनेंट वूमेन फॉर मैचुरेशन ऑफ बेबीज लंग। अब उसको क्या करेंगे, बीटा मेथासोन देंगे, ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ताकि जो पेशेंट या जो बेबी डिलीवर होने वाला है उसके अंदर कंप्लीटली रूप से लंग्स का मैचुरेशन हो सके। ओके, क्योंकि अगर गेस्टेशनल एज से पहले हो जाता है, अगर डिलीवरी हो जाती है, तो वो बेबी क्या होगा, इमेच्योर लंग्स के साथ जन्म लेगा, और उसके जो लंग्स के अंदर एटलेक्टेसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना, अमाउंट जो बीटा मेथासोन उसको डिलीवर करना है या देना है मदर को, वो देना है 12 to 24 mg IM देना है, ठीक है। और कब देना है, अगर हमें लग रहा है अभी डिलीवरी होने वाली है, अगर उसको पेशेंट जो कोई भी फीमेल है उसकी डिलीवरी होने के चांसेस हैं गेस्टेशनल एज से पहले, तो उससे 12 to 20 आवर पहले ही हम उसे उसको ये बीटा मेथासोन एडमिनिस्टर करवाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। सिक्स कॉम्प्लिकेशन, एपनिया हो सकता है, एंड एपनिया किसको बोलते हैं, टेम्परेरी सीजेशन ऑफ रेस्पायरेशन ड्यू टू लॉस ऑफ हाइपरऑक्सिक ड्राइव टू ब्रेथ, यानी कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रेस्पायरेशन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होने की वजह से हाइपर ऑक्सिक ड्राइव होती है, जो ब्रीथ के लिए वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, पेशेंट क्या होता है, रेस्पायरेशन कर नहीं पाता है, ठीक है। और ये कितने टाइम तक होती है, ये कुछ सेकंड के लिए होती है, 10 to 15 सेकंड के लिए ही होती है। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।